में चौंकाने वाला केस दर्ज हुआ है, जहां IAS अधिकारी पर NGO संचालिका ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो NGO के काम से कलेक्ट्रेट गई थी, तब तत्कालीन कलेक्टर ने उसे झांसे में लिया और डरा धमका कर दरिंदगी कर डाली। आखिर क्या है पूरा हाई प्रोफाइल मामला, रिपोर्ट देखिए। IAS अधिकारी पर रेप का आरोप। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ FIR। NGO संचालक ने दर्ज कराया कि पति को बर्खास्त करने की धमकी देकर बनाया शिकार। जांजगीर चांपा में ऐसा हाई प्रोफाइल केस दर्ज हुआ है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। ये केस दर्ज कराया है एक NGO संचालिका ने, जिसने IAS अधिकारी पर बलात्कार का संगीन आरोप लगाया है। जिस अधिकारी पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो कुछ दिनों पहले तक जांजगीर के कलेक्टर हुआ करते थे, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस ने पावर कॉरिडोर में सनाका खींचकर रख दिया है। जांजगीर की एक महिला द्वारा केस में उपस्थित होकर ऑफिस में आज शाम को आके मेरे समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें उसने पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के विरुद्ध उसको अश्लील फोन पर मैसेज करना, चैट करना और ऑफिस में बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उसका डिटेल स्टेटमेंट लिया गया। उसके द्वारा प्रस्तुत जितने भी मोबाइल रिकॉर्ड थे उसको वेरीफाई किया गया और जो भी पूरा घटनाक्रम था उसको वेरीफाई करने के बाद कोतवाली थाने में उसका महिला अधिकारी से बयान कराया गया और उसके बाद अभी यहाँ पे अपराध क्रमांक 256/2020 धारा 376 506 509 ख का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जांजगीर पुलिस थाने में दर्ज हुई FIR के मुताबिक IAS अधिकारी JP पाठक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराने वाली महिला NGO में काम करती है। पीड़िता के मुताबिक करीब 2.5 महीने पहले वो अपनी साथी महिला को लेकर तत्कालीन जांजगीर कलेक्टर JP पाठक से NGO के काम के सिलसिले से मिलने गई थी। तब तत्कालीन कलेक्टर JP पाठक ने पीड़िता का मोबाइल नंबर मांगा और इस तरह दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फिर कुछ दिन बाद JP पाठक ने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे धमकी दी गई कि उसके पति को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस तरह डरा धमका कर बीती 15 मई को चैम्बर में बुलाकर JP पाठक ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने अपने बयान में कई चौंकाने वाली बातें दर्ज कराई। आप खुद ही सुन लीजिए सनसनीखेज दास्तान की कहानी फरियादी महिला की जुबानी। मैं समूह के काम को लेके गई थी कलेक्टर ऑफिस पाठक सर के पास, जनक प्रसाद पाठक के पास। सबसे पहले तो वो काम को करा दूंगा बोले, फिर उसके बाद वो मेरा नंबर लिए और फिर वो अपना नंबर तुरंत मिस कॉल करके दिए मुझे और बोले कि जब काम हो जाएगा तो इसी में सूचना दिया जाएगा आपको करके। फिर उसके बाद दो चार दिन काम के बाद थी और फिर उसके बाद वो अश्लील अश्लील बातें करने लगे, वीडियो भेजने लगे, फोटो भेजने लगे उसकी और अपना खुद का भी। और फिर उसके बाद वो मुझे बुला रहे थे कई दिनों से, मैं मना कर रही थी लॉकडाउन है, नहीं जा पाऊँगी। फिर वो एक दिन बुलाए मुझे, तुझे आना ही होगा तेरे पति की अगर तू नौकरी चाहती है तो करके डराते धमकाते भी थे। फिर मैं गई और उनके ऑफिस में बैठी थी, काम के बारे में बात कर रही थी तो बोले कि यहीं पे बैठ के बात करेगी क्या, चलो ना उधर कोने में बैठते हैं। तो मुझे लगा कि वो सिर्फ और सोफा में बैठने के लिए बुला रहे हैं मुझे और वो मुझे लेके गए, मेरे हाथ को पकड़े थे बाजू को और वो अंदर धकेल के खुद भी चले गए और दरवाजा बंद कर दिया अंदर से और वो फिर मेरे साथ बलात्कार किए। जिस IAS अधिकारी पर बलात्कार का आरोप है वो 2007 बैच के IAS हैं और कुछ दिन पहले जांजगीर में कलेक्टर थे और कुछ दिन पहले हुए तबादले के बाद रायपुर के भू अभिलेख शाखा भेजे गए हैं। JP पाठक जैसे अधिकारी पर लगे बलात्कार के आरोप चौंकाने वाले हैं। यही वजह है कि पुलिस भी पूरे मामले की जांच में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। जांजगीर पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंची महिला ने SP पारुल माथुर को कॉल रिकॉर्डिंग और अश्लील फोटो वीडियो मैसेज चैट बतौर सबूत के सौंपे हैं। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद सुरागों को वेरीफाई करना शुरू कर दिया है ताकि केस के पीछे का सच सामने लाया जा सके। हवालात के लिए जांजगीर चांपा से रवि गोयल की रिपोर्ट। हवालात में